itna kafi hai zindagi ke liye, itna kafi hai zindagi ke liye, rakh le aaka jo naukari ke liye, itna kafi hai zindagi ke liye. Haath utha ke kehte itna kafi hai zindagi ke liye, rakh le aaka jo chaakari ke liye, itna kafi hai zindagi ke liye, itna kafi hai zindagi ke liye, rakh le aaka jo naukari ke liye, itna kafi hai zindagi ke liye, itna kafi hai zindagi ke liye. हर गल हर बंदे वास्ते नहीं होती सरकार, जो मदीना शरीफ जी जी सरकार जो मदीना शरीफ तशरीफ लेके आए ते हर अमीर बंदे ने समझिया सरकार साढ़े घर ही आन, ते आका जी ने फरमाया जिथे मेरी ऊंटनी रुकेगी उथे मैं क्याम करूंगा, ते आप दी ऊंटनी किथे रुकी? हजरत अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु दे घर, छोटा जिहा घर, मिट्टी दा कच्चा घर। इस गल नूं ज़हन च रखना ते शेर सुनना, तक के उनको अय्यूब के घर में, तक के उनको अय्यूब के घर में, महल तरसे है झोंपड़ी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। सरकार राजा शफीक साहब, मेरे आका जी इन्ने मेहरबान हैं, आ गए कब्र में बिछुड़वाने, आ गए कब्र में बिछुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए, दर्द कितना है उम्मती के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। हर किस्म का बंदा मौजूद होता है, आहिस्ता कलाम सुनने वाला भी होता है, तेज कलाम सुनने वाला भी होता है। कुछ कलाम ऐसे होते हैं वो जोश से ना पढ़े जाएं तो ज़ौक नहीं आता, कुछ कलाम ऐसे होते हैं उनके अंदर ही ज़ौक होता है। अगर बंदा थोड़ी सी तवज्जो करे तो उनके अंदर ही ज़ौक होता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार दे मोढ़ियां ते बैठ गए,
ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਜਦੇ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਿ ਸਜਦਾ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ। ਲੰਬੇ ਸਜਦੇ کوئی نہ کوئی آخری خواہش ہوتی ہے، لیکن میرے آقا کے غلام کی آخری خواہش کیا ہے؟ دید مانگی ہے ان کی زندگی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ یہ شعر میرے ذہن چوں نکل گیا سی۔ چاند سورج بھی ان کے قدموں میں روز آتے ہیں روشنی کے لیے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں روز آتے ہیں روشنی کے لیے، روز آتے ہیں روشنی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔